वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम HP के एक्सटर्नल DVD राइटर के बारे में बात करेंगे। ये एक एक्सटर्नल DVD राइटर है जो कि आप किसी भी डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मैकबुक हो या कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप वाली डिवाइस के साथ। एक चीज़ का ध्यान रखिए, ये TV वगैरह के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ये कोई DVD प्लेयर नहीं है, ये एक नॉर्मल CD DVD राइटर या रोम आप इसको कह सकते हैं। इसको लेने का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। लैपटॉप की जो मेरी ड्राइव थी ये वाली, ये अब यूज़ ना होने की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हुआ क्या था कि आजकल के टाइम पे आपको पता है, जहाँ पे USBs वगैरह आ गई हैं, पेन ड्राइव्स वगैरह आ गई हैं और डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इंटरनेट की स्पीड काफ़ी फास्ट है, तो उसकी वजह से क्या था, ये यूज़ होना बिल्कुल ही बंद हो गया और करीब साल डेढ़ साल तक ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता था। सिस्टम ने भी इसको डिटेक्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो डिटेक्ट ना कर पाने की वजह से ये ड्राइव बिल्कुल ही डेड हो गई। इनफैक्ट इसके बटन वगैरह भी हैं वो भी बिल्कुल काम नहीं आ रहे थे। तो ड्राइव डेड होने का अब ये था कि अब इंटरनल अगर हम ख़रीदें अमेज़ॉन से तो पता नहीं कितने की मिलेगी, क्या मिलेगी और फिट होगी या नहीं। इसके चक्कर में मैंने एक मंगा भी ली लेकिन वो साइज़ छोटा आ गया और वो उसमें फिट ही नहीं हुआ। तो मैं कोई ऐसे ही सॉल्यूशन देख रहा था कि चलो यार, इसको रिप्लेस करने के लिए कोई एक्सटर्नल टाइप मिल जाए, जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है तो वैसे ही एक्सटर्नल DVD राइटर वगैरह कोई मिल जाए। तो लकीली अमेज़ॉन पे मेरे को ब्रांडेड ही मिल गया HP का, तो HP का मैंने मंगाया और इसको यूज़ करते करते अब मुझे बहुत टाइम हो चुका है, 6-7 महीने हो चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी डेट भी। और इसको जब भी यूज़ नहीं करना होता तो मैं इसको बॉक्स में उठा के रख देता हूँ, तो एक तरह से आप इसकी अनबॉक्सिंग टाइप ही देख लीजिए। वैसे तो ये इसकी केबल है, ठीक है, ये इसकी पैकिंग है। मैं इसको हमेशा पैक करके रख देता हूँ ताकि जो है धूल मिट्टी ना जाए, क्योंकि लेंस का मामला है, नहीं तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके साथ क्या क्या सामान आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसके साथ ये बुकलेट आती है, ठीक है, एक ये बुकलेट आती है और ये आता है। CD ड्राइव कोई भी नहीं आती, CD वगैरह कोई नहीं आती क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, प्लग इन प्ले है। उसके बाद ये केबल आती है, ये केबल आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल CUSB केबल है, ठीक है, अगर खो भी जाती है तो आप ये भी अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल DVD की ड्राइव है, ये देखिए, ठीक है, ये नॉर्मल DVD ड्राइव है। इसको आपने अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है इजी प्लग एंड प्ले वायर के थ्रू। मैं आपको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके अभी दिखा दूंगा और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हैसल नहीं है, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करनी, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको अपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करके दिखा दूँ। देखिए मैंने अपना लैपटॉप यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे, मैं आपको माय कंप्यूटर पे लेके चलता हूँ, तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पे एक भी DVD ड्राइव नहीं है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ, ये देखिए कोई भी DVD ड्राइव है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसमें से निकाल रखी है, ठीक है, क्योंकि मैं इसको यूज़ ही नहीं करता तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आपको मैं इस तरह से और दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये ब्लैंक रहता है, ठीक है ना। मैंने तो इसमें कोई टेप वगैरह नहीं लगा रखा है क्योंकि मैंने ब्रश रखा हुआ है इसको साफ़ करने के लिए। आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है साफ़ रखने के लिए आप वो ज़रूर रखें, कवर करके रखें इसको, या तो आप सेलो टेप वगैरह से इसको बंद कर दें या फिर पेपर वगैरह लगा के इसको बंद कर दें। तो चलिए अब हम इसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले आपने ये वाली जो एंड है इसका, ठीक है, ये वाला एंड आप लगा दीजिए इसके पीछे यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा अभी, ठीक है, इस वाले एंड पे हम इसको लगा देंगे, ठीक है, ये लगा दिया। और ये वाली जो USB केबल है, ठीक है, ये आप नॉर्मल अपने किसी भी USB पोर्ट में लगा सकते हैं, ये देखिए ये मैंने लगा दिया, ठीक है। लगाते ही आप एक चीज़ पाएंगे कि लगाते ही यहाँ पे ये देखिए DVD RW ड्राइव अपने आप आ गई, ठीक है। अब इसमें हम कोई CD या DVD डाल के प्ले करके देखते हैं जिससे कि हमें पता लग जाए कि ये ठीक से कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज की 2003 की DVD है, इसको हम निकाल के प्ले करेंगे, देखिए, ठीक है।
बहुत सावधानी से आपने इसके बटन्स वगैरह को हैंडल करना है, ठीक है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नॉर्मली आपने बस इसको थोड़ा सा क्लिक करना है, ड्राइव बाहर आ जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपने इसको इसमें डालना है, ठीक है? ज़रा सा आपने इसको अंदर की तरफ पुश करना है, ये देखिए ज़रा सा इसको हमने यहाँ पे पुश किया, ठीक है? और इस बटन को हमने फिर से दबा के, सॉरी, इसको अब हमने अंदर स्लाइड कर देना है। अब आपने देखा कि मैंने इजीली इसको स्लाइड कर दिया है, ठीक है? अभी रीड कर रहा है इसको, ठीक है? जैसे कि आपने स्क्रीन पे अब देखा कि ये रीड कर चुका है इसको, ठीक है? अब अगर आप इसको ओपन करके कंटेंट्स वगैरह इसके देखेंगे तो आपको ये कंटेंट्स दिखा देगा जैसे कि आपको दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। आप इसको किसी भी डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मैकबुक, विंडोज़, किसी के साथ भी, ठीक है? लेकिन ये टीवी के साथ या आप किसी और मोबाइल के साथ लगाना चाहें तो ये कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डीवीडी प्लेयर या एक्सटर्नल यूएसबी पेन ड्राइव टाइप्स नहीं है। ये सिर्फ़ एक नॉर्मल सा डीवीडी रोम है जो आपकी नॉर्मल सी जो लैपटॉप की जो हार्ड जो सॉरी डीवीडी रोम होती है उसको रिप्लेस करता है, नथिंग एल्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा यूज़ एंड प्लग क्या नाम है सिंपली प्लग एंड यूज़ वाला काम है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं, अमेज़ॉन से आपको ये मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो फ्रेंड्स, इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोस की भी वॉच रखिए, क्योंकि मैं बहुत यूज़फुल चीज़ों के बारे में आपको आगे गाइड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।